गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे IDBI असिस्टेंट मैनेजर के बारे में। इसके 2020 के रिक्रूटमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन दबा दो, ऑल पर सिलेक्ट कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। सो फ्रेंड, आप सभी को पता होगा IDBI बैंक जो है हर साल अपना रिक्रूटमेंट निकालता है, जो कि असिस्टेंट मैनेजर का होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है और SO का होता है। ओके, असिस्टेंट मैनेजर की बात की जाए, इसमें आपका कोई भी प्रीलिम का एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट मेंस का एग्जाम होता है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है एंड देन आपका सिलेक्शन हो जाता है। ओके, कोई भी ग्रेजुएट बंदा इसको अप्लाई कर पाता है। जैसे कि आपको पता होगा पिछले साल जो है इसी टाइम पे आपको देखने को इसका रिक्रूटमेंट मिला था। ओके, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल भी इसका रिक्रूटमेंट आएगा। चलिए इसके बारे में हम डिटेल जानते हैं कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, क्या क्या इसका सिलेबस रहता है और कैसे आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं 2019 में करीबन 500 वैकेंसी इसमें आउट हुई थी। ओके, जिसको कि कोई भी ग्रेजुएट बंदा अप्लाई कर सकता था, जिसके मिनिमम 60% मार्क्स हो। ओके, SC ST PWD के लिए मिनिमम 55% मार्क्स लगते हैं इसमें। एज की बात करी जाए तो मिनिमम एज इसमें 21 ईयर रहता है और मैक्सिमम एज जो है 28 साल रहता है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 मार्च 2019 को पिछले साल रिक्रूटमेंट इसका आउट हो गया था, असिस्टेंट मैनेजर का, एग्जीक्यूटिव का और SO का, तीनों का रिक्रूटमेंट जो है 1 मार्च 2019 को पिछले साल आउट हो गया था। तो इस साल भी जो है इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो इसलिए इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है फ्रेंड। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें एक ही एग्जाम होता है आपका, डायरेक्ट मेंस का एग्जाम, जो कि पिछले साल 17 मई 2019 को हुआ था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करी जाए तो SC ST PWD के लिए 150 रुपये रहती है, अदर्स के लिए आपका 700 रुपये इसमें फ़ी रहती है। ओके, पिछले साल जो इसका रजिस्ट्रेशन चालू हुआ था 4/4/2019 से, और इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट था 15/4/2019। ओके, सो फ्रेंड, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए तो मैंने आपको बताया कि एक ही एग्जाम आपका होने वाला है, उसके बाद आपका इंटरव्यू एंड देन आपका सिलेक्शन। एग्जाम निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसका जो पैटर्न रहता है वो ओल्ड पैटर्न पे रहता है, ओल्ड वाले पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में आपको पूरे पुराने वाले पजल देखने को मिलेंगे, जो कि हाई लेवल थोड़े से रहते हैं लेकिन वो पूरे पुराने रहते हैं। DI में आपको पूरे पुराने DI, जैसे बार ग्राफ, पाई चार्ट, ओके, लाइन ग्राफ, ये जो सारे बेसिक DI होते हैं ना, वही DI आपको देखने को मिलेंगे। उसमें कोई हाई लेवल का DI आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो जो कि बहुत ही आसान होता है इसको क्रैक करना। और इसका जो एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होता है उसमें तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। ओके, उसको तो क्रैक करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो IDBI हर साल आप देखोगे, पिछले 4-5 साल से देखोगे, हर साल अपना रिक्रूटमेंट निकालता ही निकालता है। ओके, तो मेन आपको इस पर ज़्यादा फोकस करके रखना है, इसको आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। ओके, इसके एग्जाम की बात की जाए तो आपके 4 सेक्शन रहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और DI, जिसके आपका 60 क्वेश्चन रहते हैं और 60 मार्क का पेपर रहता है। ओके, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 मार्क, जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन 60 मार्क आपका रहता है। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क का पेपर रहता है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। इस 2 घंटे में आप कोई भी स्पेशल सेक्शन बना सकते हो, आप रीजनिंग बना सकते हो, इंग्लिश बना सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बना सकते हो, मतलब आपके मन में जो आता है वो आप बना सकते हो। इसमें कोई भी सेक्शनल टाइम नहीं दिया गया है। ओके, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तीसरी बात, इसमें आपका निगेटिव मार्किंग रखी जाती है 1/4, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कट ऑफ की बात की जाए तो पिछले साल का जो कट ऑफ था फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, जनरल का 129.50 गया था आउट ऑफ 200। ओके, रीजनिंग मैथ के आपके 60 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन, ये तो 120 ऐसे ही हो जाते हैं फ्रेंड। तो इसको क्रैक करना बहुत ही आसान है, आराम से इसको क्रैक कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।